1978 में सिर्फ 2 लूम्स और 9 कारीगरों के साथ एक ऐसी ब्रांड की शुरुआत हुई जिसने आज अपना मुकाम जो है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नाम कमा लिया है। और इंडिया का झंडा जो है आज रग्स और कारपेट्स की जब भी बात आती है तो सिर्फ जयपुर रग्स का नाम लिया जाता है। फाउंडर आज हमारे साथ है एनके चौधरी जी। तो सर आपने इस ब्रांड की शुरुआत किस तरीके से करी, इसकी कहानी क्या है? देखिए मैंने अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की थी जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे, ब्रांडेड शूज की दुकान थी। और दुकान पे काम करते करते मुझे बैंक में कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। फिर मैं कुछ ऐसा करना चाहता कि मैं अपनी पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। बिल्कुल। तो जब मैंने अपना थोड़ा डीप इंट्रोस्पेक्शन किया, सोचना शुरू किया कि हू एम आई, मैं कौन हूँ, तो मुझे पता चला मैं एक पीपल पर्सन हूँ। नेचर में समय गुजारना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ी डीप रिसर्च करने के बाद में ये भी मुझे समझ में आया कि उस वक्त इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत मांग थी। इंडियन कारीगरी जो है आज दुनिया भर में फेमस है। हाँ, तो मैंने उसका इसी धंधे से शुरुआत करूँ तो मुझे हमेशा नए नए गांव में जाने का मौका मिलेगा और ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता। और आज उनको हर कोई पूछता है। इनफैक्ट आपके कारीगर शाहरुख खान के घर तक जा चुके हैं। बिल्कुल। आज तो वो इतने फेमस हो गए कि मैं काफी बार हमारे व्यूअर से मजाक करता हूँ कि पहले मेरे नाम से आप लोगों को जानते थे और आज आपके नाम से ना मेरे को पहचानते हैं। इतनी पहचान ग्लोबली बन गई उनकी। बिल्कुल। तो 1978 में सिर्फ 2 लूम्स थे तो आज हम 1978 से 2013 तक की कहानी में कैसे कैसे पड़ाव आपको झेलने पड़े? देखिए मैंने मतलब अपने जब कारपेट बिजनेस शुरू किया था नो वीवर के साथ तो आई स्टार्टेड एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। मैं जॉबर करता था, जयपुर से एक एक्सपोर्टर से माल लाता था, रॉ मटेरियल ला के उसको कारपेट बना के दे दिया करता था। तो 9 साल तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। इससे मुझे कारपेट की खूब बारीकियों की समझ आई, कारपेट की वीविंग के बारे में, वीवर के बारे में। फिर मैं जयपुर आया और अपने भाई के साथ मिलकर मैंने एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। 3 साल जयपुर में रहा मैं। तो उस वक्त मैंने देखा कि इंडियन कारपेट की बहुत भारी मांग थी, तो मुझे और वीवर चाहिए। तो मैं गुजरात गया और गुजरात में 8 साल तक रहा और वहाँ जाके मैंने 15,000 ट्राइबल लोगों को ये कारपेट का काम सिखाया। और आज जो है आपके पास लगभग 40,000 वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं जिसमें से लगभग 36,000 तो सिर्फ औरतें हैं। क्योंकि देखिए जब इस धंधे को शुरू किया था तो शुरू में काम करने वाले सारे आदमी थे तो वो समय से काम नहीं करते थे, क्वालिटी सही नहीं बनाते थे। फिर कुछ महिलाओं की शुरुआत हुई तो वो बड़ी डिसिप्लिन थी, क्वालिटी सही, काम सही ढंग से करती थी, क्वालिटी सही बनाती थी। तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मुझे केवल महिलाओं पे ही फोकस करना है और आज तक हमने केवल महिलाओं को ही रोजगार दिया इसमें, क्योंकि महिलाएं जो है डिसिप्लिन्ड होती हैं। बिल्कुल। और वो पैसे का उपयोग भी जब उनके हाथ में पैसा आता है तो बहुत वाइजली खर्च करती है। हम लोग आज कई सारे वर्कर्स से भी हम लोग मिले और उन्होंने बताया कि कैसे भाई साहब ने उनकी, भाई साहब बोलते हैं आपके प्यार से, और कैसे आपने उनकी जिंदगी एकदम बदल दी सिर्फ एक कारपेट के जरिए। मैं रक्स तो जब बचपन से बना रही थी, जब मैं पहली बड़ी हुई थी, मैं जब से 8-7 साल की थी जब से हमारे गाँव में काम हो रहा था, मैं काम तो जब से सीख गई थी लेकिन मैं जयपुर रक्स कंपनी के साथ में 15 साल से। हमारे घर नहीं चलते थे, हमारे बच्चे भी नहीं पल रहे थे, मतलब बहुत गरीबी स्थिति थी। तो हम काम करते थे तो हमारे जो ठेकेदार थे समय से पैसे भी नहीं देते थे और कटौती करते थे, लेकिन उनसे हमारा घर बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। लेकिन हम जयपुर रक्स कंपनी में जुड़ने के बाद में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं और हमारा पूरा घर भी अच्छे से चला रहे हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हम कारपेट का काम करके और हम मनचाहे चीज़ कुछ भी घर में खरीद सकते हैं। घर वाले कुछ भी नहीं कहते वो चीज़ क्यों ले रही है, कोई रोक टोक हमें कुछ नहीं करते हैं और हम सब मिलकर खुशी से एक जगह काम करते हैं। हमें कारपेट का काम करना बहुत अच्छा लगता है, इससे हम अपनी कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो सर कितने तरीके के कारपेट्स हैं, क्या क्या ब्रांड्स हैं? आज हम विदेश में भी जो है ये भारत के जयपुर रग्स के कारपेट जो है बेच रहे हैं। देखिए करीब हम आज भी करीब
80 देशों को ना हम लोग कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएस में हमारी एक कंपनी है जो मेरी बेटी चलाती है। और जयपुर की जो टेग लाइन है, जयपुर का जो ब्रांड है, हम बोलते हैं कि वी डोंट सेल कारपेट, वी सेल फैमिली ब्लेसिंग, वी सेल स्टोरीज, वी सेल एक्सपीरियंसेस। हम लोग कॉन्स्टेंटली नए नए एक तो कलेक्शन बनाते रहते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे डिजाइनर्स के साथ जुड़ते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने कलेक्शन करी थी आशीष शाह करके, एक बहुत फेमस डिजाइनर हैं जिनका कलेक्शन पूरा जो पूरा ब्रह्मांड है उससे इंस्पायर्ड था। तो कलेक्शन का नाम ब्रह्मांड है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ब्रह्मांड कलेक्शन। बिल्कुल। सो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? तो वो जो आशीष हैं वो पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है उससे बहुत पूरी एनर्जी जो है वो हमारी पूरी ब्रह्मांड से ही आती है। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था उसमें था कि हम उसको जो पूरा ब्रह्मांड है उसको घर पे कैसे लेकर आ जाएं। तो जो पूरी कलेक्शन इसमें कार्पेट्स बने हैं वो अलग अलग जो डिपिक्शन है हमारे जो स्टार्स हैं और उन सब के हिसाब से ही पूरा वो कलेक्शन उन्होंने बनाया है। और तो इसमें आप देखेंगे कि हमने जो नेवी कलर है और ब्लूज हैं वो बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी जयपुर रग्स की कहानी, जिसकी शुरुआत जो है एनके सर ने 1998 में करी थी। लेकिन ये जयपुर रग ब्रांड जो है वो 1999 में इसकी शुरुआत हुई। इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, अपने अंदर की आवाज़ सुनी, और आज ये ब्रांड जो है कई महिलाओं को जो है एक एम्पावर करती है। साथ साथ कहानियाँ, ये सिर्फ कारपेट नहीं बेचते हैं, ये कहानियाँ बेचते हैं, इमोशंस बेचते हैं कारपेट के जरिए। आज ये 80 से ज़्यादा देशों में कारपेट्स जयपुर रग्स के नाम से आपको मिल जाएंगे। जयपुर का नाम भी जो है रग्स के साथ जुड़ गया, और मतलब देश में ही नहीं विदेश में भी अब जब भी रग्स की बात आती है तो जयपुर का नाम इसके साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ज़्यादातर तो लोग पूरे दुनिया में ना जयपुर रग्स यार जयपुर कारपेट नहीं बोल के ना जयपुर ही बोलते हैं। वही कि ये जयपुर का कारपेट है। तो ये थी जयपुर रग्स की कहानी। ऐसी और ब्रांड स्टोरीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ साथ हमारे वेबसाइट पर भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं। और ऐसी दिलचस्प ब्रांड की कहानियाँ जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें।